अरुण पांडे, आप सभी को नमस्कार। और साथ ही हम नमस्कार कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका कुमारी का, जो आज इस कार्यक्रम में हैं और जो आपके फोन कॉल्स का जवाब देंगी। यानी दांतों से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्याएं हैं उन पर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और उन पर अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और अब श्रोताओं के फोन कॉल्स आने भी शुरू हो गए हैं। नमस्कार सर। दांत जो हमारे हैं वो शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर चीज जो हमारे शरीर में जाती है वो दांतों के और मुंह के जरिए ही जाती है। तो दांतों का क्या महत्व है पहले तो शरीर के इस अवयव में और इसकी संरचना में? सर, दांतों का तो बहुत महत्व है स्वास्थ्य में, क्योंकि जो खाना पीना हम खाते हैं वो दांतों से ही चबा के खाते हैं, मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद ही वो खाना पीना जो भी है वो पेट में जाता है। तो दांत तो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि दांत ना रहे तो फिर आप सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं खाने से। बिल्कुल, दांत हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनकी देखभाल, इनसे जुड़ी हुई बातों का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। और जरा सा भी दांत दर्द होता है तो बहुत ही असह्य होता है। और इस बीच हमारे किसी श्रोता का फोन कॉल भी आ गया, तो उनसे बातें करते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। मैं ग्राम रामेश्वर ब्लॉक शिवपुरी जिला वाराणसी से बोल रहा हूँ, राजीव विश्वकर्मा। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि खाने के बाद जो है, शाम को खाना खाने के बाद क्या ब्रश करना ज्यादा जरूरी होता है? सुबह ब्रश करिए और शाम को ब्रश कीजिए, क्योंकि जब खाना खाते हैं ना तो रात भर हमारे मुंह में वो खाना अटका रह जाता है, तो इसीलिए ना शाम को ब्रश करना अच्छा है, सही है। सुबह तो करते ही करते हैं सब लोग, लेकिन शाम को भी खाना खाने के बाद जब सोने से पहले अगर आपने किया तो वो बहुत अच्छा है। रात भर आपके दांत में खाना अटका नहीं रहेगा, कीटाणु जमेंगे नहीं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि शाम को ब्रश नहीं करते, बस खाना खाएंगे और सो जाएंगे। सर, अगर ब्रश नहीं करते हैं तो कम से कम कुल्ला करके तो सोइए ही, क्योंकि खाना खाने के बाद वो खाना नहीं अटका रहना चाहिए आपके मुंह के अंदर। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया जी। जी सर, अगर नीम का दातुन किया जाए तो? वो भी सही है सर, दातुन भी अच्छा है। अगर आप सुबह भी दातुन करना चाहते हैं तो कुछ खराब नहीं है, लेकिन अगर ब्रश भी करेंगे तो भी अच्छा है, सही है। नहीं, ऐसा कि ग्रामीण इलाके में तो लोग ज्यादातर दातुन ही करते हैं। ठीक है, तो सुबह दातुन कीजिए और शाम को दो टाइम दातुन कीजिए, सुबह शाम। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। इन्होंने जैसा पूछा कि दातून के बारे में, हमारी परंपरा में है, बहुत लंबे समय से हम लोग दातून का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्या ब्रश और दातून से दांतों की सफाई में कोई फर्क है? सर देखिए, 19-20 फर्क तो रहेगा, क्योंकि ब्रश जो है ना आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड हैं, तो उनके ब्रिसल्स डिजाइन ऐसे किए गए हैं कि कोने कोने तक पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन और अब तो जैसा इन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में, लेकिन अब गांव-गांव में ये ब्रश और पेस्ट और दंतमंजन वगैरह हैं, लेकिन दंतमंजन ऐसा हो जो कि बहुत खुरदुरा रुखड़ा न हो। पुराने समय में लोग बहुत खुरदुरी चीजों से ब्रश करते थे और या उंगली से करते थे, तो दांतों में उससे घिसाव आ जाता था और बाद में परेशानियां उससे आ जाती हैं। जी जी जी। और अब आ रहा है एक और श्रोता का फोन कॉल। हेलो। हेलो जी, कार्यक्रम आरोग्यम है, सवाल पूछें आप। डॉक्टर प्रियंका कुमारी हमारे साथ हैं। आरोग्यम टीम के साथ डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। श्रोता दंपति अनिल कुमार गुप्ता गोंड और रमा गुप्ता गोंड, अशोक विहार कॉलोनी फेस टू पहाड़िया। पूछिए अपना सवाल। ऐसा है डॉक्टर साहिबा की रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जी, 5-6 साल पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था, दोनों राइट में भी और लेफ्ट में भी, लेकिन आजकल मैं ये परेशानी देख रहा हूँ कि उसके बगल वाले दांत में खाना फंस जाता है, जो साइड वाले दांत है उसके साथ, जो जिसमें कैप लगा हुआ, तो ये दोनों ही तरफ मुझे परेशानी हुई है, तो ये इसका कारण क्या है? दूसरा ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या जिंदगी भर एक बार कराने के बाद जीवन पर्यंत चलता है? और तीसरा ये है कि अक्सर दांतों से जीभ और गाल बार बार कटते रहते हैं, इसका कारण क्या है? मैं आपके दूसरे प्रश्न का पहले आंसर देती हूँ। रूट कैनाल अगर आपने सही से एक बार करवा लिया सही अच्छे डॉक्टर से, तो वो जिंदगी भर चलता है, कभी आपको फिर से दोबारा तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन जैसे 19-20 तो हमेशा हर जगह रहता है, थोड़ा सा दिक्कत तो कभी आ सकता है, तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने सही डॉक्टर से करवाया तो RCT में कोई दिक्कत नहीं, लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर मान लीजिए दिक्कत आ गई तो RCT करते हैं सर, उस दांत को जिसमें RCT किया है उसके सारे मटेरियल को निकाल के वापस से दोबारा RCT करते हैं,
तो री आरसीटी के प्रोसेस में चला जाता है, कोई तकलीफ नहीं आएगी, उसके बाद भी दांत वो अच्छा रहेगा। और जो पहला सवाल उन्होंने पूछा था अनिल जी ने कि उसके अगल बगल के दांतों में कुछ समय के बाद परेशानी आती है, तो क्या उसका कारण क्या होता है? सर क्या है ना, कभी कभी कैप जो है ना अच्छे से फिटिंग नहीं हो पाता है। कैप अगर सही से फिट नहीं हुआ तो अगल बगल के दांत के बीच में ना जगह बनता हुआ चला जाता है, तो अगर वो साफ सफाई नहीं हुआ, मसूड़े नीचे चले गए, बगल के कैप सही से फिट नहीं है, तो वहाँ खाना फंसने लगता है, और खाना फंसता है तो फिर गैप आ जाता है, खाना फंसता है, सड़न होना शुरू हो जाता है, बगल वाले दांत को भी खराब कर देते हैं वो फिर। मैंने और लोगों को भी सुना है कि जिसमें कैप लगा है तो अगल बगल वाले दांत जो है, मतलब अधिकतर लोगों के ऐसा हो रहा है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि लगाने ट्रीटमेंट कराते वक्त कोई बात है या ऐसा अक्सर होता है? मैं तो अपने पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ कि रूट कैनाल जब आप करवा रहे हैं तो उससे पहले दांतों को एक बार दो बार साफ करवा लीजिए। जैसे पूरे दांत की सफाई जो होती है, जिसको स्केलिंग बोलते हैं, वो दांतों की जब सफाई हो जाती है ना सर, जो भी मसूड़े इधर उधर नीचे गए हुए रहते हैं वो वापस से आके दांत को पकड़ लेते हैं। उसके बाद जब आप रूट कैनाल करवाते हैं और कैप लगवाते हैं तो थोड़ा भी गैप बचता नहीं, बचने का गुंजाइश नहीं रहता है कि वहाँ खाना फंसेगा। तो इसीलिए पहले दांत की साफ सफाई दो तीन बार करवा लें और साथ में रूट केनाल भी करवा लें। अगर रूट केनाल फेल हो गया है तो री आरसीटी बोलते हैं, री रूट केनाल बोलते हैं, वो करवाएं आप, और कैप थोड़ा फिटिंग करवा के लगाएं। और इससे जुड़ी एक और बात है, क्योंकि आरसीटी आजकल बहुत ही आम है और लोग इसके बारे में जानते हैं और करवाते भी हैं, लेकिन क्या आरसीटी कराने के बाद किसी खास तौर की सावधानी और एहतियात बरतने की जरूरत होती है ताकि इस तरह की समस्याएं ना आए? सर आरसीटी कराने के बाद कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर आपने कैप लगा लिया, आरसीटी सही से हो गया, कैप लगा लिया, तो वो फिक्स्ड है, फिर नहीं होगा वो 10-12 साल 15 साल, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं देता है। कैप जो है कभी कभी कैप लगाने पे ऊपर से घिस जाता है, इसका कारण क्या है? और जो जीभ कटती है? जी 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 सर, आप जो है ना कैप बदलवा लें, क्योंकि ऊपर का जो सिरामिक अंदर जो है ना मेटल रहता है और ऊपर सिरामिक का लेयर रहता है, जब सिरामिक का लेयर टूट के निकल जाता है तो वो नुकीला हो जाता है, उसकी वजह से ना वो जीभ में या गाल में लगता है, चोट लगता है नुकीलेपन की वजह से। तो आप उस कैप को निकलवा के नया कैप फिटिंग करवा लें, वो टूट गया है, ऊपर से सिरामिक का लेयर निकल गया है वो। तो कौन सा कैप बेहतर है आपकी नजर में, कौन सा कैप ज्यादा ड्यूरेबल है? सर ड्यूरेबल तो सब कैप अच्छे हैं, जो मेटल पीएफएम है, सिरामिक और पोर्सिलिन फ्यूज्ड विथ मेटल पीएफएम कैप बोलते हैं, वो भी अच्छा है। कैड पीएफएम वो भी अच्छा है, जिरकोनिया बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं चाहते तो आप मेटल कैप भी लगवा सकते हैं जिसमें सिर्फ मेटल होता है अंदर, लेकिन वो फिर दांत कलर का नहीं रहेगा। बिल्कुल, हमें लगता है कि किसी निकट के दंत विशेषज्ञ को जब आप दिखाएंगे तो आपके उपयुक्त आपको क्या उसमें फिट होगा और क्या जरूरत है वो आपको बता पाएंगे। अनिल गुप्ता गौंड जी, आपको शुक्रिया कहें बहुत बहुत, आपने कॉल किया कार्यक्रम में। आप लोगों को भी प्रणाम। हाँ जी, शुक्रिया। फोन आ रहा है, देखते हैं हमारे किस श्रोता ने कार्यक्रम में फोन किया है। जी हम मोहन राय बोल रहे हैं आजमगढ़ जिले से, पिपरौला गांव से। जी सर सवाल पूछिए अपना। दरअसल मेरा ये ऊपर वाली चौभर बाएं तरफ की जी के बगल का एक दांत गड़बड़ का दर्द होता था, उसको निकलवा दिए। जी जी, तो वह जगह खाली हो गई है, तो क्या कोई दूसरा दांत बैठ सकता है? सर दूसरा दांत बिठाने का दो तरीका है। अगर आपको फिक्स ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आप चाहते हैं फिक्स्ड रहे, तो आगे और पीछे वाले दांतों को रूट कैनाल करवा के उसके बाद तीनों दांत पे एक साथ कैप लग जाएगा, जहां दांत नहीं है उसके और आगे और पीछे वाले दांत तीनों पे एक साथ कैप लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं फिक्स ना रहे, निकालने लगाने वाला लगा चाहते हैं, तो आरपीटी भी बन जाता है एक दांत के साथ, वो भी आप लगवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारा पोता है, 15वां महीना चल रहा है, 22 तारीख को 15 महीना पूरा होगा। जी सर। तो उसका दांत आ रहा है जी, ऊपर का दो दांत, तीसरा भी आ रहा है, पहले ऊपर वाला आया जी, उसके नीचे का भी दो दांत दिखाई दे रहा है, उसको आप क्या चीज दे? पहले तो दूध, मतलब 250 ml तो दे सकते हैं, फल सब्जी जो ये जरूर है। इससे इनसे जुड़ा हुआ सवाल कि अगर जैसे इस तरह के छोटे बच्चे हैं तो बचपन से ही इसी अवस्था से उनके दांतों को लेकर के कोई आगे दिक्कत ना आए, इसके लिए किस तरह की सावधानी पेरेंट्स को और परिवार के लोगों को अपनानी चाहिए? सर जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं वो अपने आप से ब्रश नहीं करते हैं, तो माँ को चाहिए कि सूती कपड़े से, जो कॉटन कपड़े हैं, उसको पानी में भिगा के उसके दांतों की सुबह सफाई कर दिया करें। और ये तो जैसे दांत आने के बाद की बात है, और दांत जब तक नहीं आते हैं तब तक बच्चों के मुख की साफ सफाई पर किस तरह से ध्यान दिया जाना जरूरी होता है? चाहे तो सुबह जो है ना सूती कपड़ा भिगा के उनके मसूड़ों को पोंछ दिया करें, ऊपर और नीचे दोनों के मसूड़ों के
को अच्छे से। और बहुत से घरों में हम लोग देखते हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, लोग चॉकलेट टॉफी या मीठी चीजें ज्यादा प्यार से और लगाव के साथ बच्चों को खिलाते हैं, तो कई बच्चों के दांत काले हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं, हालांकि वो दूध के दांत होते हैं। लेकिन क्या वो एक समस्या है, या किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, या इस तरह का जब मीठा चॉकलेट या टॉफी खाएं तो इस तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? सर, जब वो मीठा खाएं तो उसके बाद ना चाहे तो वो कुल्ला करें अच्छे से चॉकलेट को निकालने के लिए, या फिर मीठा खाने के बाद ब्रश कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो चिपचिपी चीजें हैं वो कोई बड़ा व्यक्ति भी खाता है तो दांतों के कुछ हिस्सों में वो काफी देर तक वो चिपका रह जाता है, तो इससे दिक्कत आती होगी। इससे दिक्कत आती है, तो जब आप खाएं तो कुल्ला करें एटलीस्ट, नहीं तो ब्रश तो कर ही सकते हैं। जी, कार्यक्रम में अगला कॉल है किसी श्रोता का। सर नमस्कार जी, कार्यक्रम आरोग्यम है, पूछें अपना सवाल। मैं कह रहा हूँ सर, दांत में जो आइसक्रीम खाने के बाद बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। जी सर। और ये 10 मिनट तक बना रहता है। डीसेंसिटाइजिंग पेस्ट आते हैं मार्केट में, सेंसिटिविटी बोलते हैं इसको, झंझनाहट बोलते हैं दांत में, झंझनाहट। तो आप अपने निकट के चिकित्सक से पूछ लीजिए कि हमको डीसेंसिटाइजिंग पेस्ट चाहिए, बहुत सारे पेस्ट अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप उससे ब्रश कीजिए, सही रहेगा। अगर उसके बाद भी तकलीफ है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर झंझनाहट है, तो आप रूट केनाल करवा सकते हैं दांत को, उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। पीएचयू हो जाएगा? पीएचयू में भी हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, आप निकट के किसी भी सरकारी अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर भी दंत चिकित्सा विशेषज्ञ होते हैं, उनसे आप अपनी समस्या बोल सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। ये जो डॉक्टर साहिबा, दांतों में जो इन्होंने कहा कि कुछ मीठा लगता है आइसक्रीम खाने के बाद से, तो ये क्या ये आम समस्या है, या कई बार जिसे कभी होता है कि झंझनाहट होती है, कभी नहीं भी होती है, तो निरंतरता में जैसा इन्होंने कहा अगर होता है, तो क्या ये किसी रोग का संकेत है या विशेष एहतियात बरतना चाहिए? ये कोई रोग नहीं है सर। दांतों में 3 लेयर होते हैं, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। तो जब ऊपर का लेयर जो इनेमल है वो अगर घिस जाता है और डेंटिन के पास पहुंच जाता है दांत घिसते घिसते, तो डेंटिन के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, डेंटिन में छोटे छोटे ना जैसे लंबे लंबे पैसेज के जैसा होते हैं, उसमें क्या है ना ठंडा लगता है, तो भी वो पैसेज जो है ना अंदर ब्रेन को मैसेज भेजता है कि ठंडा लग रहा है, और गर्म भी लगता है तो भी वो झंझना करके मैसेज भेजता है ब्रेन को कि ऊपर का लेयर नहीं है, हमको ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है। बिल्कुल, और अब अगले श्रोता का कॉल लेते हैं। हेलो जी, कार्यक्रम आरोग्यम है, डॉक्टर साहिबा से सवाल पूछें। नमस्कार, कैलाश पटेल मीसेपुर रोनिया वाराणसी से। नमस्कार सर, बोलिए। मैम मेरा दांत जो है कि मतलब कुछ खाते पीते हैं ना, उसमें जैसे झंझनाहट होती है, क्या कारण हो सकता है? सर ऊपर का जो लेयर है इनेमल, डेंटिन और पल्प, 3 लेयर होते हैं दांत के, इनेमल जो है ना वो घिस जाता है, इस वजह से झंझनाहट होना शुरू हो जाता है। मार्केट में बहुत सारे डीसेंसिटाइजिंग पेस्ट हैं जो दांतों की झंझनाहट को रोक देते हैं, तो अगर आप चाहें तो रोज डीसेंसिटाइजिंग पेस्ट बहुत सारे आते हैं मार्केट में, अगर आप निकट के चिकित्सक से पूछेगा तो वो लोग आपको बताएंगे, तो आपको झंझनाहट से आराम मिलेगा। इसको अगर सफाईया करवा लें तो? सर सफाई करवा लें, उसके बाद भी आपको डीसेंसिटाइजिंग पेस्ट लगाना पड़ेगा डेली, क्योंकि ऊपर का लेयर जो है ना घिस चुका है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। यानी इस तरह अगर कोई झंझनाहट होती है, या इन्होंने तो कहा कि कुछ भी खाते पीते हैं तो दांतों में लगता है, तो एक बार अगर ये पेस्ट करना कोई शुरू करता है तो उसको आजीवन फिर वो उस तरह के ही पेस्ट जो खास तौर से आते हैं वो करने होते हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि स्थायी रूप से वो फिर सामान्य स्थिति में आ सकते हैं? सर स्थायी रूप से तो दांत का जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होता है, वो वापस नहीं जाता, एक पोजीशन तक जहां पहुंच जाता है उसके आगे ही बढ़ता है, कभी पीछे नहीं लौटता। जिन्होंने शुरू किया वो डीसेंसिटाइजिंग पेस्ट, उनको ना जिंदगी भर लगभग करना ही पड़ता है, लेकिन आप 6 महीने करके एक बार छोड़ के देख सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप नॉर्मल पेस्ट कीजिए, अगर उसके बाद भी तकलीफ है तो फिर कुछ दिन रुक के फिर शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, और जब भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो दंत रोग विशेषज्ञ से जरूर संपर्क करें। अगले श्रोता का कॉल है। मैं धर्मराज यादव तीन घरवा बेदी वाराणसी से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार मैडम जी, 1 महीने से मेरा अंदर का दांत ऊपर का जो है दर्द कर रहा है, इसमें पानी लग रहा है। जी जी सर। लगातार मैं दवा 1 महीने से खा रहा हूँ और उसमें दवाई भी भरवा रहा हूँ। दरअसल वो जो किनारे वाला दांत अंदर वाला था उसमें जो है वो हिल रहा था। जी जी। तो मैं उस पे से और इधर चढ़ा के 2 दांत जो है मैं लगवा दिया, RTC करवा दिया। RCT करवाए हैं? ठीक है जी। तो आगे का थोड़ा दर्द कर रहा था जहाँ था तो ठीक हो गया,
लेकिन पीछे वाला एक महीना से कंटिन्यू वो हील नहीं रहा है, उससे दबाव लग गया लेकिन उसमें दर्द बराबर बना हुआ है। अगर दर्द है दांत में तो आप रूट कैनाल RCT करवा सकते हैं। अगर RCT करवाने के बाद भी अगर दर्द ठीक नहीं हुआ है तो किसी नए डॉक्टर से, किसी अच्छे डॉक्टर से RCT करवा सकते हैं। उसमें क्या है करते हैं, जो RCT किए हैं उसके सारे चीज़ों को निकाल के वापस निकाल के बाहर निकाल लेते हैं और फिर से सफाई करके दांतों की वो फिर से भरते हैं। अच्छा मैडम, इस साल भर तो ठीक था, एक साल पहले लगवाया था, लगातार दवा चल रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। नहीं सर, दवा से नहीं ठीक होगा, दवा आप जब तक खाएंगे तब तक दर्द से आराम मिलेगा, दवा छोड़ेंगे फिर से दर्द होगा। तो आप रूट कैनाल RCT करवाएं, और अगर करवा चुके हैं RCT तो उसको RCT करवाएं, अगर फिर भी तकलीफ है तो दोबारा से RCT करवाएं। ठीक है मैडम जी, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। और अब आ रहा है एक और श्रोता का फोन कॉल। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम। नमस्कार साहब। नमस्कार, सवाल पूछें अपना। साहब, ग्राम लगबिलपुर, पोस्ट रेवतीपुर, जिला गाजीपुर से राधे श्याम सिंह यादव बोल रहा हूँ। जी सर नमस्कार, पूछिए। साहब हमारा उम्र 56 बरस है। जी सर। और दांत धीरे धीरे टूटता जा रहा है, करीब 5-6 दांत टूट गया है। ठीक है। और डॉक्टर से भी हम इलाज किए अपने बगल में, तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब ब्रश कीजिए तो कोई क्या समस्या सर, मेरे पास नहीं है साहब कोई। सर दिक्कत क्या हो गई ना, मुझे लगता है आपने ध्यान नहीं दिया आपके दांतों पे, खाना जमते जमते और गंदगी जमते जमते दांत हो गए ढीले। थोड़ा चाय और दूध गर्म पीता हूँ इसलिए हो सकता है कि ये काम गलत हो। टूटने का मतलब झड़ रहे हैं क्या आपके दांत सर? नहीं, जैसे धीरे धीरे रिझने लगता है मैडम जी, पूरा नहीं टूट पाता है के साथ। अच्छा, यानी वो दांत आपके नीचे से हल्के हल्के वास्तव में टूट रहे हैं, जिसे हम लोग झड़ना या गिरना समझ रहे हैं। सर आप जो है ना दांतों की एक दो बार सफाई करवा लीजिए, स्केलिंग बोलते हैं जिसको, तो आपके जो है ना मसूड़े मजबूत हो जाएंगे, वो दांत को पकड़ के रखेंगे। और यही जो पेस्ट आपको बताए हैं सही है पेस्ट, डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट है मार्केट में, उससे आपको झंझनाहट नहीं रहेगी दांत में और मजबूती भी मिलेगी दांत को। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया हमें। नमस्कार साहब। नमस्कार। अच्छा, आमतौर पर डॉक्टर साहिबा ये कम देखने को मिलता है, दांत झड़ते हैं या गिरते हैं ये तो हम लोगों ने देखा सुना है, लेकिन क्या नीचे से दांत हल्के हल्के टूटने भी लगते हैं क्या, जिस तरह जैसे लगे कि कहीं चोट लग गई हो, या फिर अचानक से लगा कि दांतों में जिस तरह से कुछ चीजें टूट फूट होती हैं उस तरह से होने लगता है? जी सर, जैसे पाइडिया हो गया, एक बीमारी है पाइडिया, इसको ये गम्स की बीमारी है, मसूड़ों की बीमारी है, उसकी वजह से क्या होता है ना, गंदगी जमते जमते दांत हो जाते हैं ढीले, मसूड़े दांत छोड़ देते हैं, हड्डी गलने लगती है, दांत ढीले हो जाते हैं और ढीले होके हिलते हिलते भी निकल जाते हैं। ये एक तरीका है दांत निकलने का। दूसरा तरीका है, दांत जब कमजोर होते हैं तो कभी चोट लगने से या फिर घिस घिस के अपने से झड़ते चले जाते हैं। यानी इस तरह की कोई भी समस्या आए तो शुरुआत में तुरंत किसी विशेषज्ञ को हमें संपर्क करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। एक फोन है श्रोता का। जी बताएं नाम अपना। जी सर, मेरे दांत में पीलापन हो गया है, बदबू आता है। नाम भी बता दीजिए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं चंदूपुरा वाराणसी से बोल रहा हूँ, राहुल कुमार। राहुल जी हाँ, अब बताएं। जी सर, राहुल जी आप अपना दांत की सफाई करवाइए। जी मैडम, एक बार करवाए थे लेकिन फिर भी आ रहा है। एक बार से कभी कभी जो है ना गंदगी जब ज्यादा हो जाती है और पाइडिया हो जाता है तो एक बार से काम नहीं चलता, आप 6-6 महीने पे 2-3 बार साफ करवाइए, दांत में पीलापन भी हटेगा और आपके मुंह से जो बदबू आ रही है वो भी हटेगा। साथ में अगर बदबू के लिए ना आप ब्रश अच्छे से कीजिए, और उसके बाद मार्केट में ना माउथ वॉश अवेलेबल है, आप ब्रश करने के बाद माउथ वॉश से कुल्ला कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया कार्यक्रम आरोग्यम में। एक श्रोता का फोन कॉल है, वो हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। रामपुर सिंह से हूँ, जखरिया गाजीपुर से बोल रहा हूँ। जी मैडम, ये सवाल ये चाहता हूँ कि हमारा दांत जो है वो ऊपर का एक दाहिने तरफ और नीचे के 3 दांत जो है बहुत हिल रहे हैं लेकिन गिर नहीं रहे हैं, तो क्या करें बताइए? हिल रहे हैं लेकिन गिर नहीं रहे हैं, वो तकलीफ भी दे रहे हैं क्या, दर्द भी हो रहा है? हल्का हल्का दर्द तो हो रहा है, एक आध दिन से लगता है कि एक आध दिन से गिर जाएगा लेकिन गिर नहीं रहे। सर तो अगर आप निकलवाना चाह रहे हैं, जब क्योंकि दांत बहुत ज्यादा हिल गए हैं और अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो अगर आप निकलवाना चाह रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाके निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं निकलवाना चाह रहे हैं तो 2-3 बार दांतों की सफाई करवाइए, वो जो हिलते हुए दांत है ना वो मजबूत हो जाएंगे और दर्द भी उसमें कम हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब की सफाई होगा ना? पूरे दांतों की सफाई करवाइए किसी अच्छे चिकित्सक से दिखवा के, लेकिन अगर आपको तकलीफ लग रहा है
अगर आप निकलवाना ही अगर चाहते हैं तो फिर आप निकलवा लें जो तकलीफ दे रही है दांत। उम्र भी तो बहुत हो गई है, 81 के लगभग उम्र है। जी सर, तो उम्र के हिसाब से तो दांत अगर हिल रहा है और अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो आप निकलवा सकते हैं। जी तो बहुत शुक्रिया आपने कार्यक्रम में फोन किया, धन्यवाद है आप दोनों। डॉक्टर साहब ये बात होती है जैसा इन्होंने कहा कि उम्र हो गई है, तो क्या दांत अगर कमज़ोर हों या टूटे हुए हों, निकले हुए हों और उसका कोई सब्स्टिट्यूट इलाज या फिर दांत नहीं लगवाए गए हैं जी, तो उस तरह की स्थिति में खान पान सही तरीके से नहीं हो पाता होगा, आदमी भोजन को चबा नहीं पाता होगा, तो उससे कोई दिक्कत आती है या फिर कई लोग जैसे वर्षों तक दांत लगाते ही नहीं और मसूड़ों के सहारे ही अपना भोजन करते हैं। जी सर, क्या है कि उम्र के साथ जब दांत कमज़ोर हो जाते हैं, एक तो दांत पे अगर ध्यान दिया जाए तो वो बहुत दिन तक सही रहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ध्यान नहीं दिया, पायरिया हो गया, दांत हिलना शुरू हो गया और अगर आपको तकलीफ दे रही है तो फिर एकमात्र यही उपाय है कि उस दांत को निकलवा लिया जाए। और अगर आप नहीं निकलवाना चाहते, दांत थोड़े बहुत हिल रहे हैं, तो आप 2 से 3 बार सफाई करवाएंगे, धीरे धीरे दांतों में मजबूती आने लगती है। और आपने जैसा कहा कि अगर ध्यान दिया जाए और प्रॉपर देखभाल की जाए शुरुआत से ही, तो कोई समस्या नहीं आएगी। हमारे श्रोताओं को चलते चलते कुछ ऐसी 2-4 चीजें आप बताना चाहें संक्षेप में, जिनका वो पालन अगर जीवन में करें तो दांत लंबे समय तक उनका साथ आजीवन देंगे। जी सर मैं बताती हूँ। दांतों की सुबह ब्रश और शाम को 2 टाइम तो ब्रश करना अनिवार्य है। उसके साथ साथ अभी मार्केट में बहुत सारे माउथ वॉश अवेलेबल हैं, कुल्ला कर सकते हैं ब्रश करने के बाद। तीसरी चीज है कि अगर आपने 6-6 महीने पे, फिर साल भर पे भी अगर एक बार डॉक्टर के पास जाके आपने दांतों की सफाई करवा ली, तो दांत बहुत हद तक आपके स्वस्थ रहेंगे। फिर भी अगर दांत खराब हो ही गए हैं तो रूट केनाल है, कैपिंग है, बहुत सारे FPD, RPD, ये सब प्रोसीजर्स हैं जो आप करवा सकते हैं, इम्प्लांट हैं। दांतों को रिप्लेस करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन दांतों को बचाने का यही तरीका है कि आप डॉक्टर के पास 6-6 महीना या साल भर में एक बार जाके सफाई करवाएं, ब्रश अच्छे से करें, खाना पीना जब जो खाते हैं उसके बाद कुल्ला करना जरूरी है। यानी शरीर के तमाम अंगों की तरह और परेशानियों की तरह दांतों को भी बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है, और उसके बारे में भी हमें निरंतर नियमित रूप से दंत रोग विशेषज्ञ के संपर्क में रहना चाहिए। जी, बहुत सारे श्रोताओं ने कार्यक्रम में फोन किया और आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, तो डॉक्टर प्रियंका कुमारी का श्रोताओं हम आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, और आपको भी धन्यवाद और शुक्रिया कह रहे हैं। आपने तमाम फोन कॉल इस कार्यक्रम में पूछे अपनी जिज्ञासाएं शांत की डॉक्टर साहिबा से, और हम बहुत बहुत इन्हें शुक्रिया कह रहे हैं। और चलते चलते श्रोताओं को आपकी फरमाइश का गीत हम सुनवाना चाहेंगे। सर मैं चाहूंगी आप ये गाना सुनाएं, दिल का भंवर करे पुकार। ये गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म है तेरे घर के सामने, और बहुत ही खूबसूरत गीत श्रोताओं तक पहुंच रहा है। और साथ ही साथ आपको हम शुक्रिया कह रहे हैं, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने श्रोताओं की समस्याओं पर उन्हें परामर्श दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और श्रोताओं अगले सप्ताह फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में एक नए विषय, एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने दोस्त